पिछले 4.5 साल तो इतने रुल रहे है गया। पंजाब की सरकार ने साडिया तनखावां च वाधा नहीं किया, साढ़े तनखावां ते इन्हां ने कट लाए। 3 साल का एरियर नप के बैठ के साडा 4 साल का PNY का पैसा नपया होया, पोषण अभियान का पैसा साडा जिहड़ा सेंटर सरकार रिलीज कर रही है वह नहीं आया, मोबाइल फोन नहीं आए। सब तो वड्डी गल है कि इन्होंने बच्चे साडे आंगनवाड़ी केंद्रां दे खोह के स्कूलों भाले, जिहड़ा बल्ले बल्ले करा रहे हैं कि दाखले वध गए, इन्हां दे दाखले कोई नहीं वधे, ते आंगनवाड़ी केंद्र अज सुन्ने पए हैगे आ बच्चों तो बिना। असीं मंग करदे हां बच्चे भी वापस करो ते प्री नर्सरी टीचर का दर्जा सानू दिओ। जदों तो पंजाब अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है उदों तो ही पंजाब अंदर थां थां ते धरने मजारे दिते जा रहे हैं, जिसके चलदे बठिंडा विच आल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन वालों पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल के दफ्तर के अगे धरना प्रदर्शन किया गया ते अपनियां मंगां नूं लैके उन्हां वल्लों भुख हड़ताल भी की गई ते उन्हां ने पंजाब सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी भी की। इस मौके आंगनवाड़ी वर्करां ते हैल्परां ने खून नाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर नूं इक पत्र भी लिखिया। आंगनवाड़ी मुलाजमान का कहना है कि उन्होंने पक्के किया जाए तो नर्सरी टीचर का दर्जा दिता जाए। इस तो अलावा उन्होंने पंजाब सरकार तो कई होर मंगा भी मंगिया ने। इस तो अलावा आंगनवाड़ी मुलाजमान का होर की कहना है आओ तुहानू भी सुनाने। मेरा नाम हरगोबिंद कौर है, मैं आल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की स्टेट प्रेजीडेंट हाँ, आंगनवाड़ी इंपलाइज फैडरेशन ऑफ इंडिया की कौमी प्रधान है। अज असी पंजाब के वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल उन्होंने ऑफिस के सामने आए हैगे हाँ। असी अपनी गल कहन वास्ते पहुँचे हाँ कि असी पिछले 4.5 साल तो इतने रुल रहे हैगे हाँ। पंजाब की सरकार ने साडिया तनखावां च वाधा नहीं किया, साढ़े तनखावां ते इन्हां ने कट लाए, 3 साल का एरियर नप के बैठ के साडा 4 साल का PNY का पैसा नपया होया, पोषण अभियान का पैसा साडा जिहड़ा सेंटर सरकार रिलीज़ कर रही है वह नहीं आया, मोबाइल फोन नहीं आए। सब तो वड्डी गल है कि इन्हां ने बच्चे साढ़े आंगनवाड़ी केंद्रां दे खोह के स्कूलों च भाले, जिहड़ा बल्ले बल्ले करा रहे हैं कि दाखले वध गए, इन्हां दे दाखले कोई नहीं वधे, वह साढ़े बच्चे से जिहड़े खोह के लै गए, तो आंगनवाड़ी केंद्र अज सुन्ने पए हैगे आ बच्चों तो बिना। असी मंग करते हैं बच्चे भी वापस करो तो प्री नर्सरी टीचर का दर्जा सानू दिओ, कि असी जिहड़ियां हैगियां इह योग्यता पूरी करते हैगे असी जिहड़ी इन्हां ने रखी हुई है। तो हुण तां जिहड़ी पंजाब दी सरकार है इन्हे IAS जिन्नियां कंडीशन आंगनवाड़ी वर्कर ते लातियां कि तीजे दर्जे ते चौथे दर्जे वास्ते कोई इंटरव्यू नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेंटर सरकार ने कहा, पर आंगनवाड़ी वर्कर BA पास होनी चाहिए है ते हेल्पर +2 पास होनी चाहिए है, उसकी इंटरव्यू होगी 5 नंबर इंटरव्यू दे होंगे। सो इस तरह करके सरकार ने बिल्कुल अनारकी फैलाई हुई है, पोस्टा 3 साल इन्होंने भरिया नहीं। असी तंग हो के वर्कर की 7500 तनखा, वो 1000 रुपया हैल्पर अड रख्या तो वह तो कम कराया, पल्ले तो पैसे दे के कम कराया हैल्पर का। कहना मेरा भाव है कि इन्होंने साढ़े नक् च दम करके रखे इस सरकार ने, तो असी लगातार लड़ रही हैं इन्हों के खिलाफ, तो हूँ असी इन्हों के दफ्तर के घराव करके असी यही गल कह रहे हैं बार बार कि असी इन्हों सत्ता च नहीं आने देना। ये सत्ता च आए तो इन्होंने सानू हरास किया, सानू तंग किया, आंगनवाड़ी सेंटर इन्होंने ताले लाने की नौबत लियाती, पर असी हुण इन्हां दे दफ्तरां ताले लवावांगे। दफ्तर अगले 5 सालों एक बंद रहने चाहिए, खुलने नहीं चाहिए, असी इन्हां नू वोट नहीं देनी, इन्हां नू हरावांगे। अज साडी भुख हड़ताल है ते साडा धरना प्रदर्शन है इन्हां दे दफ्तर दे सामने, ये साडा प्रोटेस्ट हैगा इन्हां दे दफ्तर दे सामने, ब्लड नाल लिख के असी मंग पत्र दे रहे। पंजाब विच कांग्रेस की सरकार बनी नूं लगभग 4.5 साल हो चुके ने, पर जेकर देखा जाए तो लोग कांग्रेस की सरकार तो खुश नज़र नहीं आते। हर थां ते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पर हुण देखना यह होगा कि जांदी जांदी कांग्रेस सरकार इन्हां मुलाजमान दीआं मंगां मन्नेगी या फिर नहीं। बठिंडा तो परविंदर सिंह की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सीधी गलबात ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान, ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।